हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? एक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट? बेसिकली देयर आर थ्री बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। फर्स्ट इज द एडिटिविटी, Additivity of charge. Second is conservation of charges. And third is quantization of charges. These are the basic properties of the charges. But what are these? First of all, additivity of charges. Additivity of charges में अगर कोई system है और उस system पर बहुत सारे charges हैं, तो additivity of charges ये कहता है कि जितने charges हैं उन सब का algebraic sum कर दो। Algebraic sum means क्या करना है कि charge with positive sign है, charge with negative sign है, इन सबको क्या कर देना है, विद साइन हमें ऐड कर देना है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ए एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। सो हाउ यू कैन राइट इट? बाय दिस प्रॉपर्टी, द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम is the, what do you mean, is obtained by adding algebraically charges, all the charges with their sign. सपोज करते हैं एक सिस्टम है जो कई चार्जेस से मिलकर के बना हुआ है। अगर उस वो सिस्टम कई चार्जेस से मिलकर के बना हुआ है तो सपोज कर लेते हैं ये पहला है जिस पर Q1 चार्ज है जो पॉजिटिव है, दूसरी बोर्ड ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है नेगेटिव है, ये क्या है Q4 चार्ज है, ये क्या है माइनस Q5 चार्ज है। सपोज दिस फॉर्म ए सिस्टम, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम? तो ये बहुत आसानी से हम कह सकते हैं कि बी एड ऑल द चार्जेज विद देयर साइन। अगर किस सारे चार्जेज को उसके साइन के साथ हम सिंपली ऐड कर देते हैं तो इस तरह का सम एल्जेब्रिकली सम कहलाता है। सो व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम? दैट इज क्यू इज इक्वल टू प्लस क्यू वन प्लस सेकेंड Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 एंड विद साइन माइनस Q5। दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम्स बाय एडिंग देयर चार्जेज विद देयर साइन। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ए एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। इन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, व्हाट आर द कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेज? बच्चों आपने सोचा, आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कंजर्वेशन लॉ में आपने पढ़ा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऑन द सेम प्रॉपर्टी द चार्जेज ऑल्सो हैव द फॉलो द कंजर्वेशन लॉ। इट मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हियर आइसोलेटेड सिस्टम? ए सिस्टम व्हिच इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। वो बाहरी प्रभावों से क्या होता, फ्री होता है। उसके अंदर ना तो चार्ज जा सकता है ना तो उससे चार्ज बाहर निकल सकता है।
such types of system is known as a isolated system. Now, what are the conservation of charges? It means the total charge of an isolated system is always constant, same. Or you can easily say that charges neither be created nor be destroyed. It can be transferred from one system to another system. We can write, by this property, the total charge of an isolated system is always constant. What is here isolated system? A system which is free from external influence. Such types of systems is known as a isolated system. What is the meaning of this? Free from external influence means there is no any electron just enter in the systems or just move outside the system. That is an isolated system. Now, the third property is the quantization of charges. What are the quantization of charges? Now, we will discuss about this. But the third property is the quantization of charge. This is the third property. What are the quantization of charge? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो ये बताता है कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है दैट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्जेज. सो वी यू कैन सी दैट बाय दिस प्रॉपर्टी द चार्ज ऑन ए बॉडी इज द integral multiple of elementary charge that is q is equal to n into e, that is the integer and this is the elementary charge. What is the elementary charge? This is the smallest charge. मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज एग्जिस्ट करेगा वह ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. मतलब अगर किसी बॉडी पर चार्ज है तो वह तो 1e होगा, 2e होगा, 3e होगा, 2.5e नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इट मीन्स एनी बॉडी कंटेन्स द चार्जेस लाइक डैश 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 -3e, -2e, -e, 0, +e, 2e, 3e, नॉट 2.5e, 1/4e, this is not possible. Basically, this concept is seen by Millikan's in 1912. This is the questions on the basic properties of charges. Question is, a metal sphere has a charge of -6.5 microcoulomb. It means a body which have 6.5 microcoulomb charge with negative sign. Then we can say that charge Q1 which is present on the metal surface is -6.5 microcoulomb. Or we can say that since this charge in micro is given, so we remove microcoulomb by multiplying -10^6 coulomb. So the charge is present on this body is this. कहता है कि व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन आर रिमूव, अगर इस बॉडी से मैं 5×10^13 इलेक्ट्रॉन को रिमूव्ड कर देता हूँ, बाहर कर देता हूँ, तो मुझे ये पता करना होगा कितना चार्ज हमने बाहर कर दिया. तो हम निकालेंगे चार्ज रिमूव्ड फ्रॉम मेटल
सरफेस। कैसे पता चलेगा बच्चों? हमें सपोज कर लेते हैं कि जो चार्ज हमने रिमूव्ड किया वो चार्ज क्या था? Q2 था। ये Q2 पता कैसे चलेगा? N into E। आपने कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव्ड किया है? 5 × 10⁻³⁰ इलेक्ट्रॉन को रिमूव्ड किया है। E की वैल्यू होगी 1.6 × 10⁻¹⁹। व्हाट यू गेट? 16 × 5 = 80, 10⁻⁶ कूलम। सो यू हैव रिमूव दिस चार्ज फ्रॉम दिस बॉडी, दैट इज नोन एज Q2। देन व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द बॉडी? आपने एडिटिविटी ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि चार्ज ऑन ए बॉडी इज द सम, एल्जेब्रिक सम। सो यू कैन राइट नेट चार्ज क्यू इज इक्वल टू Q1 + Q2। व्हाट इज Q1 हियर? −6.5 × 10⁻⁶ +8 × 10⁻⁶ कूलम। व्हाट हैपन? दैट इज यू गेट +1.5 × 10⁻⁶ कूलम, और यू कैन से दैट 1.5 μC चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दैट बॉडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, इज द चार्ज दिस कूलम इज पॉसिबल ऑन एनी बॉडी? किसी बॉडी पर कितना चार्ज होता है? मिल्कन साहब ने क्या कहा था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज क्या था? एटोमिसिटी ऑफ चार्जेज क्या था? यही था ना कि किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होगा। इट मीन्स जो n की वैल्यू आती थी दैट इज ए इंटीग्रल इंटीजर। सो वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n बाई द फार्मूला क्यू इज इक्वल टू एनी ईयर। द चार्ज ऑन ए बॉडी इज 5.8 × 10⁻¹⁸ कूलम। n इज नॉट हियर, is 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। देन व्हाट इज n? 5.8 × 10⁻¹⁸ बाय 1.6 × 10⁻¹⁹। सो व्हेन यू डिवाइड दिस, सिंस दिस इज ए डेसिमल प्लेसेस हैड बीन डिक्लेयर्ड हियर, 5.8, आई थिंक 16 × 3 = 48। तो 16 से ये कटने वाला नहीं है। इट मीन्स यू गेट ए डेसिमल नंबर। एंड इफ यू गेट ए डेसिमल नंबर तो n जो होगा, अगर डेसिमल नंबर है तो इंटीजर नहीं है। अगर इंटीजर नहीं है तो दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन द बॉडी। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। एक कप अगर हम वाटर ले लें तो उस पर कितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए कि एक कप वाटर में कितना पानी आता है, आई डोंट नो अबाउट दिस, तो हमें यहाँ अपने हिसाब से सपोज करना होता है। तो सपोज कर लेते हैं कि एक जब कप वाटर ले रहे हैं, सपोज दिस कंटेंट 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो लेट वन कप ऑफ वाटर, लेट वन कप ऑफ वाटर, वन कप कंटेन्स वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम। तो हमें मान लेते हैं कि ये 250 ग्राम ऑफ वाटर रखता है। तो अब हमें देखेंगे कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो हम इसके बारे में पता करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O इज इक्वल टू, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? टेल मी, 1 × 2 + 16, दैट इज 18। नाउ वी नो दैट 18 ग्राम, that is in gram, 18 gram of water contains 6.023 × 10⁻²³ molecules of water। देखो इतने ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स वाटर होते हैं, तो हमने कितने ग्राम ले रखा? 250 ग्राम। तो हम फाइंड आउट करेंगे, सो 250 ग्राम of water contains 6.023 × 10⁻²³
इंटू 250 बाई 18 मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये हुआ कि 250 ग्राम्स में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इतने आएंगे। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता करना होगा कि एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, देखो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देखो इस H की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वन होता है, तो वन इंटू टू दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन इंटू टू, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट होता है तो कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि वन मॉलिक्यूल्स 10 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो इतना मॉलिक्यूल्स कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6.023 इंटू 10^23 इंटू 250 बाई 18 मॉलिक्यूल्स। तो बोलो क्या होगा भाई, इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 6.023 इंटू 10^23 इंटू 250 बाई 18, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इतने वाटर में है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है दैट इज 1.6 × 10^-19 कूलम। तो देयरफॉर टोटल चार्ज इन वन ऑन वन कप ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू इज इक्वल टू एन ई, इतने इलेक्ट्रॉन हैं एन और E 1.6 × 10^-19 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये तो इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 250 ग्राम्स ऑफ वाटर में, और इसमें जब हम 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना कूलम्ब उस पर क्या आएगा, चार्ज आएगा। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10^9 इलेक्ट्रॉन मूव्ड आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी है, इस बॉडी से 10^9 इलेक्ट्रॉन एवरी सेकंड पर सेकंड क्या हो रहा है, दूसरे बॉडी में क्या कर जा रहा, मूव कर जा रहा। तो कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज ऑफ वन कूलम ऑन द बॉडी, तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज वन कूलम होने में कितना समय लगेगा। ये देखो व्हाट इज द चार्ज व्हेन वी मूव 10^9 इलेक्ट्रॉन टू अनदर बॉडी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, यहाँ एक तरह से कह सकते हो दैट इज एन इज इक्वल टू 10^9, सो चार्ज मूव्ड कितना हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एनी दैट इज एन मीन्स 10^9 एंड ई मीन्स 1.6 × 10^-19। व्हाट हैपन 1.6 × 10^-10 कूलम चार्ज इज मूव टू द अनदर बॉडी। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट इन हाउ मच टाइम 1 सेकंड चार्ज इज पॉसिबल ऑन दैट बॉडी, मतलब कितने समय में 1 कूलम चार्ज इस बॉडी पर आ जाएगा। तो बच्चों देखो इतना चार्ज तो आ रहा 1 सेकंड में, तो लिखोगे सिंस 1.6 × 10^-10 कूलम चार्ज इज मूव्ड इन 1 सेकंड, देयरफॉर 1 कूलम चार्ज इज मूव्ड इन हाउ मच सेकंड 1 × 1/1.6 × 10^-19। सो आई थिंक दिस सेकेंड वेन यू हैव सॉल्व दिस यू गेट 198 ईयर्स।